बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वंस अगेन वेलकम बैक टू एच ए व्यूज़ चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतयाब होंगे। और ना आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बांग्लादेश में एक ना 2013 के अंदर एक रोड मिली थी रोड बनी थी उसका नाम है पैरालिन फोर्ड। और रोड बनी थी कि बना था? रोड बना था। हाँ। रोड बना था, ठीक है। तो उसके अंदर ना आरसीसी ने हिस्सा लिया था और ये बांग्लादेश की फर्स्ट फोर लेन रोड है। और इसकी सबसे अच्छी जो बात है इसके ऊपर जो है ना ये एक तरह की वाटरप्रूफ नहीं होती जैसे, वैसी ये रोड है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसके ऊपर ना उस वक्त 254 करोड़ टका की लागत आई थी। और चल के देखते हैं जी आज का वीडियो दोस्तों। यूँ ही बने रहिएगा साथ एच ए व्यूज़ चैनल के। और नए आने वाले मौजूद साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप एच ए व्यूज़ फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एच ए व्यूज़ चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। उससे पता है क्या होता है, हम जो वीडियो अपने दोस्तों के लिए अपलोड करते हैं ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाता है। शुरू करते हैं जी आज का वीडियो। इसका ओरिजिनल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। देखते हैं कैसी रोड है ना। अब इसमें ना एक नाम है प्यारा या पैरा, इसमें लेने में कंफ्यूजन हो रही है दोस्तों, माफी चाहूंगा। पैरा ये बंदरगाह है मेरे ख्याल से। अस्सलामु अलैकुम, केमन आछेन सबाई? आशा करी देशे एवं देशेर बाहिरे सबाई भालो आछेन। देशेर प्रथम फोर लेन आरसीसी सड़क निर्माण होयेछे पायरा बंदरेर जन्य। জলোচ্ছ্বাস কিংবা বৃষ্টির পানিতে স্থায়ী ও স্থিতিশীল হবে এই সড়কটি। এ ভি বাংলাদেশ মে জি বাংলাদেশ মে জি জি বাংলাদেশ মে আলা ও হরিয়ালি সে নজর আ রহা হ্যায়। হরিয়ালি তো বাকি হ্যায়। ঢাকা কুয়াকাটা মহাসড়কের রাজপাড়া থেকে পায়রা বন্দর পর্যন্ত 5.60 কিলোমিটার আরসিসি সড়ক নির্মাণ শেষে এখন চলছে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ। आबादी से तकरीबन सड़क काफी ऊंची है। यही सड़क की 23.29 मीटर प्रशस्त। इतने व्यय हुए थे 254 कोटी 51 लाख रुपए। निर्धारित समय आरसीसी सड़क की काज शेष कर ठिकादारी प्रतिष्ठान MBEL। আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে দেশের তৃতীয় গভীর সমুদ্র বন্দর হিসেবে 2013 সালের 19 নভেম্বর পায়রা বন্দর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। और इसका इफ्तिताह वहां की जो वजीर आजम साहब पायरा बंदर रेल पथ निर्माण समुद्र बंदर इलाकाय विमान बंदर पर्यटन केंद्र और अर्थनैतिक अंचल निर्माण परिकल्पना রয়েছে। আর এই পরিকল্পনাগুলো সফল হলে বন্দরটি পাবে পূর্ণ রূপ। পাশাপাশি বন্দরে খনন কাজও চলছে। पुरानी है लेकिन लग नहीं रही थी। नहीं नहीं ये कल की बात है, बिल्कुल न्यू आई है। बांग्लादेश 10 प्रथम पर्याय प्रकल्पों मध्य पायरा बंदर एक की। पायरा समुद्र बंदर निर्माण से 2023 साल থেকে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর হিসেবে পুরোপুরি চালু করা হবে। Thank you.
काफी अच्छी लग रही है ना। পায়রা বন্দরের মূল চ্যানেলে ক্যাপিটাল এবং মেইনটেনেন্স খননের কাজটি করবে বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি বেলজিয়ামের জানজিনু। সড়ক থোড়ি হাইওয়ে জ্যাদা লাগ রহা হ্যাঁ নি বহুত বড়ি সড়ক হ্যায় বহুত বড়া হাইওয়ে হ্যায় ওকে সেন্টার মে দেখো কিস কদর ওয়াহ পে উন্হোনে পৌধে ভি লাগায়ে হুয়ে হ্যায় উসসে হরিয়ালি ভি হ্যায় অর ও মাহৌল কে লিয়ে ভি বড়ি আচ্ছি অসাধারণ এই সড়কটি বিটুমিন বা পিচ ঢালাইয়ের পরিবর্তে কংক্রিটের ঢালাই করে তৈরি করা হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতেও এখন পিচ ঢালাইয়ের পরিবর্তে কংক্রিট ঢালাইয়ের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটা যেমন পরিবেশ বান্ধব তেমনি কম ব্যয়বহুল এবং অধিকতর টেকসই। তবে সড়কটি যেহেতু পোর্ট কানেক্টিং সড়ক তাই আরও লেন বাড়ানো উচিত ছিল, কারণ বন্দরের কাজ শেষ হলে এখান দিয়ে পণ্যবাহী ট্রাক লরি ও ট্রেলার চলাচল করবে। এগুলোর সাথে যদি রিক্সা ভ্যান নসিমন করিমন চলাচল করে তাহলে সেটা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। खेत भी है हाँ जी, घर सब कुछ साथ है और लग ही नहीं रही कि ये तेरा की है। बहुत ही जबरदस्त है। हर चीज को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आपकी वीडियो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। हाँ जी, अभी एक या दो दिन पहले का आया मेरे ख्याल में। তো বন্ধুরা, কেমন লেগেছে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। সেই সাথে যারা নিয়মিত আমাদের ভিডিও দেখেন কিন্তু এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, যেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যান খুব সহজেই। আর যারা ইতিমধ্যেই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আপনারা চাইলে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা গ্রুপে। এছাড়াও আমাদেরকে ফলো করতে পারেন ইনস্টাগ্রামে। যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো আমি রুবেল বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। জি, ইয়ে থা আজকা ভিডিও। ওর বড়ি জবরদস্ত ফোর লেন এক রোড জিসকো বানায়া গিয়া থা 2013 মে, ওর বড়া এক খুবসুরত প্রজেক্ট ওর বড়া হি আচ্ছা ওর দেখনে মে ইসকো। और सबसे जो अच्छी बात है ना इस रोड की, इसके ऊपर बारिश का पानी नहीं आ सकता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज रखे। इसके ऊपर जो है सैलाब का पानी नहीं आ सकता। अगर समंदर टाइप बनी हुई है ना, हाँ जी, ये एक तरह से ना वाटर प्रूफ टाइप सड़क है। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा लगा। आपको दोस्तों कैसी लगी इसका इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ बैठ के देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं आप बहुत जल्द दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अनटिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।